पल पल की खबर। आईजी के रूप में रतनलाल डांगी द्वारा बिलासपुर रेंज की कमान संभालने के साथ ही नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। कोरबा प्रवास के दौरान आईजी ने नशे के सामान बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया है। कोरबा की कोतवाली पुलिस ने नशीली दवाओं की अवैध रूप से बिक्री करने के मामले में एक डीलर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इमलीडुग्गू गौमाता चौक पर जांच के दौरान चार पहिया वाहन में नशीली दवाओं की खेप पकड़ी गई। मुखबिर के माध्यम से पुलिस को नशीली दवा कोरबा में लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी की और आरोपियों को दवाओं के साथ पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम आलोक अग्रवाल व राज चौहान हैं। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि आरोपी आलोक अग्रवाल की दर्री रोड में लक्ष्मी मेडिकल स्टोर नामक दुकान है, यहीं से उसके द्वारा नशे के सामान को बेचे जाने का काम किया जा रहा था। आरोपियों के पास से पुलिस ने प्लास्टिक की बोरी में मौजूद 100 नग नशीली सिरप को जब्त किया है और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। भाइयों के साथ एक दो आरोपी पकड़े हैं, क्या दिनांक 10/1/2021 को जरिए मुझे सूचना मिली थी कि चापा की ओर से एक रेनॉल्ट कार में दो लोग नशीली प्रतिबंधित दवाइयां लेकर आ रहे हैं अवैध रूप से तस्करी करने के लिए। तो सूचना मिलने पर टीम बनाई गई, पुलिस की टीम के द्वारा नाकाबंदी कर घेराबंदी किया गया। घेराबंदी करने पर एक रेनॉल्ट कार में दो लोग, जिसमें एक आलोक अग्रवाल निवासी दर्री रोड, दूसरा राज चौहान निवासी इंडी डोगो पकड़े गए, जिनके कब्जे से 100 नग फेंसिडिल सिरप जो कि प्रतिबंधित नशीली दवा है वो पकड़ा गया। इसलिए इनके संबंध में उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था। दस्तावेज के संबंध में पूछताछ करने पर कोई भी दस्तावेज उन्होंने नहीं बताया। चूँकि अवैध तस्करी का मामला था, नियमता जो 22 MBPS का एक्ट का जो प्रावधान है उसके साथ कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार कर मान्य लगा दिया गया। कोरबा से KSN 24 के लिए संतोष दीवान की रिपोर्ट।